अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ानों की अफ्तारी के लिए काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, मूंग दाल से बनने वाले भाजी वड़े की रेसिपी। ये वड़े काफ़ी क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही जायकेदार लगते हैं। इन्हें बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, रमज़ानों में काफ़ी सारा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी वेजेस डाली है तो इससे ये काफ़ी हेल्दी बनके तैयार होते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ और हरी मिर्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप मूंग दाल ली है, छिलके वाली। इसे ओवरनाइट हमने भिगा दिया है। इसे पहले आप 2 से 3 पानी से धोइएगा, उसके बाद भिगाइएगा। इसे भिगाने के बाद फिर हम इसका पानी पूरा निकाल देते हैं, लेकिन छिलके हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसके छिलके में भी काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए हमें इसे फेंकना नहीं है। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें हम 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके ऐड करेंगे, लहसुन की 6 से 7 कलियां ऐड करेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। फिर उसमें हम ये दाल डाल देंगे। थोड़ी दाल हम साइड में बचा लेंगे, बाकी की दाल कर इस तरह से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे थोड़ा बारीक पीसा है। अब ये जो दाल हमने जो बचाकर साइड में रखी थी उसे हम इस तरह से पीसेंगे, बिल्कुल 1 या 2 बार हम मिक्सर को घुमाएंगे और फिर बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटा मोटा हमने इसे पीस कर निकाला है। हमारे जो वड़े हैं इसके वजह से काफ़ी क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। अब इसमें हम 1 कप कटे हुए पालक के पत्ते ऐड कर देते हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनेगी रेसिपी। 1 कप कटी हुई पत्ता गोभी, 1/2 कप हरा धनिया कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे। नमक आप इसे फ्राई करने के टाइम पर ही डालिएगा, वरना ये जो वेजीज है पानी छोड़ देती हैं। अब चलिए इसमें हम ऑयल गर्म कर लेते हैं एक पैन में। ऑयल को हमें हॉट होने देना है, अच्छी तरह से गर्म करना है। फिर ये जो दाल है हमारी, इसका जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसका थोड़ा पोर्शन ले लेते हैं और इसके पोर्शन को हम इस तरह से वड़े का शेप देंगे और बिल्कुल हॉट ऑयल में हम इसे डालेंगे। वड़े डालने के पहले आप ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि थोड़ा गर्म ही रहे हमारा तेल। ठंडे तेल में अगर आप वड़े तलेंगे तो बिल्कुल ऑयली बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल कम अगर ऑयल एब्जॉर्ब करना है वड़ों में तो आप इसे बिल्कुल हॉट ऑयल में डालिएगा। स्टार्टिंग में इसे हॉट ऑयल में फ्राई कीजिए, फिर जब एक तरफ से ये सिक जाएं तब इसे फ्लिप करने के बाद हम ऑयल को मीडियम हीट पर रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल रखेंगे, उससे क्या होगा हमारे जो वड़े हैं अंदर से भी अच्छे तरह से कुक होंगे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो इस वड़े को आप बिना फ्राई करे स्टीम में भी पका सकते हैं या फिर आप इन्हें शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। डीप फ्राई करके ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं, लेकिन कम एब्जॉर्ब करते हैं ऑयल अगर आप इन्हें हॉट ऑयल में फ्राई करें तो। आप इन्हें फ्राई किए हुए हरी मिर्च और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए अब इन वड़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये सिक चुके हैं हमारे वड़े, इन्हें इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें सेकना है। सुबह शाम का नाश्ता हो या रमज़ान की अफ्तारी हो बारिश का मौसम, इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को चटनी और हरी मिर्चियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।